नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट को लेकर दो बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और अब सीएससी की बैठक भी होनी बाकी है, जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर देरी नहीं कर रही। वही उन्होंने कहा कि चक्राता के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। इस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी दोबारा से जनता के बीच जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगी। ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? जो देखिए, यही तो संकेत है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी हो रही है, कि एक सीट में जो है कई प्रत्याशी है। कांग्रेस जो है कोशिश करेगी, प्रयास करेगी कि हम आपसी समन्वय बनाए और आपसी समन्वय के बाद स्वाभाविक बात है टिकट तो एक को ही मिलना है। और मैं समझता हूँ कि जो टिकट से महरूम रह जाएंगे वो भी इस बात को समझते हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे के अंदर बननी चाहिए और सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को जो है हम मजबूत करें। तो आप निश्चिंत रहिए, सब में जो है समन्वय स्थापित करेंगे। सर, क्षेत्र की क्या क्या समस्या को लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, मैं तो चकरौता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि चकरौता के लोगों ने बारम्बार जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया और हमने पूरी ताकत के साथ जो है वहाँ के विकास को अमलीय जामा पहनाने का काम किया है। फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, मुझे यकीन है, भरोसा है कि लोग जो है फिर से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे। सर, चुनाव हैं और इसमें कांग्रेस जो है लिस्ट देरी कर रही है और बीजेपी भी देरी कर रही है, इसमें तीनों तीसरा जो विपक्ष है वो देख रहा है कि कौन किसको टिकट मिल रहा है। नहीं देखिए, कांग्रेस ने कोई देरी नहीं की है। हमारी सीएससी की बैठक होनी है, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की दो बार बैठक हो चुकी है, उस पर चर्चा हुई है और कल शायद संभव तो दोबारा बैठक है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद हम सीएससी की बैठक में जो है जल्दी से जल्दी जो है प्रत्याशियों का जो है नाम घोषित करने का काम करेंगे।